everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. How are you all guys? I hope you all are doing great. तो आज के वीडियो में आप देखने वाले हो एक मैक्सी ड्रेस जो मैंने मीशो से मंगाया है, क्योंकि मैक्सी ड्रेसेस देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं मैक्सी ड्रेसेस के जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है. तो फिर से मैं आपके लिए एक मैक्सी ड्रेस लेके आई हूँ. मैक्सी ड्रेस एक ऐसा ड्रेस है जिसे हम चाहे तो एथनिक लुक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो इसके साथ वेस्टर्न लुक भी स्टाइल कर सकते हैं, और वेयर करने के बाद इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है. और अगर मैक्सी ड्रेस फ्लेयरी हो तो फिर बात ही क्या है. तो मैं आपके साथ ऐसी ही एक ड्रेस शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरी देखें. वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें. मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा ड्रेस देखते हैं. तो गाइज ये है वो ड्रेस. कलर जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है सेम उसी कलर में है. कैमरे का कोई इफेक्ट नहीं है इसमें. ये फुल्ली प्रिंटेड है, पर इसका जो प्रिंट है ना वो 3D प्रिंट में है. अगर दूर से इसको देखा जाए ना तो ये ऐसा लगता है जैसे ये वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, पर ये वर्क में नहीं है, फुल्ली प्रिंट में है. बट वेयर करने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आती है. तो चलिए इसको ओपन करते हैं. ये है कुछ ऐसा, ये वी नेक में आती है. इसमें मैंने अपना साइज M मंगाया है, बाकी इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो. स्लीव इसकी 3/4 है, स्लीव में लाइनिंग नहीं लगी है, तो इस तरह की स्लीव भी वेयर करने पे बहुत अच्छी लगती है. एक इसको अंगरखा लुक देने के लिए गाइस यहाँ पे टाई करने के लिए मिलता है, जो कि ओनली फॉर शो पर्पस के लिए ही है. ये ओपन नहीं होता है, बट इसको आप जब टाई करते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई अंगरखा गाउन पहना हुआ है. यहाँ पे आपको इस तरह के थोड़े से तिरछे में बनाई गई है डिज़ाइन, जिससे अंगरखा पैटर्न और भी उभर के आए. उसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो कमर पे यहाँ पे सिलाई की हुई है. बाकी ये ड्रेस जो है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा फ्लेयरी ड्रेस है. फ्लेयर इसमें गाइस इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा है. साइड में आपको ट्रायल में शो हो रही होगी कि इसकी फ्लेयर कितनी ज़्यादा है. बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है. अगर आप अपने लिए मैटर्निटी ड्रेस ढूंढ रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है. और अगर आप मैटर्निटी सूट कराने वाले हो ना तो ये ड्रेस तो मैं इसके लिए हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा है गाइस, तो प्लीज इग्नोर. अभी छोटा है ना, उसको दूर भी नहीं रख सकती और उसको कैमरे में ला भी नहीं सकती, तो इग्नोर करें प्लीज. इस ड्रेस का एक चीज़ जो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई है वो है इस ड्रेस के साथ मिलती है आपको लाइनिंग लगी हुई, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. इसकी जो लाइनिंग है ना वो भी पूरी फ्लोर लेंथ तक है, तो आप इसे कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो. और अगर आप चाहो तो इसके अंदर कोई भी पजामे या कुछ भी पहन सकते हो, बट लाइनिंग की वजह से ये ऐसे भी कम्फर्टेबल ही रहेगा. इसका फ्रंट और बैक बोथ साइड आपको सेम प्रिंट मिलते हैं. अगर आप अपने लिए मैटर्निटी ड्रेस ढूंढ रहे हो तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है. अगर आप मैटर्निटी सूट करवाने वाले हो ना तो ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगेगी. इस तरह की ड्रेसेस ना मैटर्निटी सूट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. तो गाइज ये जो ड्रेस मैंने वेयर किया है ये भी एक मैक्सी ड्रेस है, ये भी मीशो की है. इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हो. तो गाइज ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें. अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज. और फिर मिलती हूँ आप सभी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. सॉरी गाइज, इस ड्रेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऑन कैमरा नहीं दे पाई, वो मैं अभी बता देती हूँ. इस ड्रेस का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट मिक्स फैब्रिक है.
इस फैब्रिक में आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कहीं भी अगर आपको जल्दी में जाना है तो आप इसे आसानी से वेयर कर सकते हो, प्रेस करने का टाइम भी बच जाता है और इस तरह की ड्रेसेस अच्छी भी होती है। एक तो ड्रेस तो इस फैब्रिक में होनी ही चाहिए। इसका फैब्रिक ऐसा है जो कि स्किन फ्रेंडली है, गर्मियों के टाइम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला फैब्रिक है, क्योंकि इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और चुभने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो लाइनिंग लगी है ना, लाइनिंग की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस ड्रेस का जो परचेज कोड है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो और अपने लिए परचेज कर सकते हो। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।